टेंथ क्लास में और बच्चियों ने 85% से अधिक अंक ये बीड़ा उठाया गौरीशंकर निर्मला अग्रवाल फाउंडेशन ने। जो बच्चे हो सकता है किसी कारणवश उच्च शिक्षा हेतु ग्रहण नहीं कर, धन्यवाद डॉक्टर मंजू शर्मा। निश्चित रूप से शिक्षाविदों का सहयोग हमें हर समय है चाहिए रखा जाए, इसी हेतु इन्होंने बच्चियों के अंक प्रतिशत जो है वो 85% रखे। सर्वप्रथम आवेदन लिए गए प्रतिष्ठा का अभिनंदन करें। भानुप्रिया शर्मा करें, दिवांशु शर्मा, दिवांशु लंबे समय तक जुड़ा हुआ रहा है ऐसे मेरे मित्र गौरीशंकर जी, आदरणीय निर्मला जी, मंच पर विराजे पंचायत समिति के प्रधान दीपचंद जी, श्री कृष्ण जी, बसंत जी, बहन मंजू जी, इस सभागृह में उपस्थित इस चूरू जनपद के सभी समाज सम्राट नागरिक वर्ग, कल जो हमारा गौरव बनेंगे ऐसे अवार्ड से जिन्हें अलंकृत किया गया है, इस चूरू की आन और शान बनेंगे ऐसे विद्यार्थी भाइयों बहन। मैं साधुवाद देना चाहूंगा गौरीशंकर जी आपको, पिता श्री नारायण प्रसाद जी मंडावे वाला, इस चूरू के अंदर प्रमुख व्यक्तित्व में से थे। उनके समय के अंदर चूरू के अंदर कोई भी ऐसा धार्मिक आयोजन, कोई भी ऐसा सांस्कृतिक आयोजन और कोई भी बेसारों के सारों का कार्यक्रम नहीं रहता था जिसमें उनकी उपस्थिति सहधन नहीं रहती हो। आपने उस परंपरा के वाहक बनकर परमार्थ के इस काम के अंदर जो इस नए काम को शुरुआत किया है, और इसके लिए मैं वेणु जी को, बसंत जी को बधाई देना चाहूंगा। हमारी धर्म संस्कृति कहती है कि पारिवारिक संस्कार कहीं न कहीं लंबे समय तक व्यक्ति के व्यक्तित्व से जुड़े रहते हैं। एक संस्कार नारायण प्रसाद जी मंडावे वाला ने आपको दिया, एक संस्कार आपने अपने पुत्रों को दिया, और आज मैं कह सकता हूं कि धन का व्यय मैं और मेरे परिवार के लिए सब करते हैं, धन का अपव्यय भी हम देखते हैं। बड़े धनाढ्य व्यक्तियों को विलासिता की जीवन जिंदगी जीने के लिए अपने कमाए हुए धन का, जिसको गरीब की नजरों में दुरुपयोग है वो भी हम देखते हैं, पर धन का सदुपयोग वो भी गुदड़ी के उन लाल के लिए जो आज नहीं कल प्रतिभा होते हुए भी कहीं ना कहीं किसी कारण से अपने उस ध्येय अपने उस मुकाम तक नहीं पहुंचे। ये परमार्थ का काम पर सरस धर्म नहीं भाई, ये धर्म का काम। गौरीशंकर जी कहते हैं धर्म की जड़ हरी रहती है। मैं मन से बात कर रहा हूं, व्यापारी बहुत होंगे, पैसे वाले बहुत होंगे, पर दुनिया को विस्मृत कर जाती है। जीवन और मृत्यु के संघर्ष में मृत्यु हमेशा जीतती रहती है, और नाम रह जाएगा वक्त भी गुजर जाएगा। उस भाव से हमने वक्त को गुजर के देखा है, पर आपने जो प्रमाण का काम किया है, और विशेष तौर पर हमारे चूरू की संस्कृति जिसको सेवा की संस्कृति कहते हैं, धर्म की संस्कृति कहते हैं, इस बेजोड़ जोड़ को जोड़कर आप धर्म और सेवा के इस काम को आपने आगे बढ़ाया है, मैं उसके लिए कितनी आपको बधाई दूं। मुझे वो काल समय याद है जिसकी चर्चा मुझसे पहले वक्ताओं ने की, वो कोरोना के विभीष का, जब भाई भाई के पास नहीं जाता था, आप हमारे सब लोगों के साथ कंधे से कंधा जोड़े हुए थे, जीवन बचना चाहिए, और उस जीवन को प्रभु जी भगवान का प्रसाद मानते हुए बचाने में आपने योगदान दिया। आज उन बच्चों के बारे में अभी हरलाल जी कह रहे थे, वो काम मैं समझता हूं कि वो परिवार जो जुड़े हैं
वो परिवार हमेशा याद रखेंगे। और मैं उम्मीद करता हूं कि आज इस आदरणीय नारायण प्रसाद जी मंडा वाले के इस हायर सेकेंडरी स्कूल से जो बच्चे जुड़ेंगे, उन बच्चों को भी कहूंगा जब स्कॉलरशिप के रूप में एक्सेलेंस ऑफ अवार्ड्स आपको आज इस समाज ने दिया, इस लोगों ने दिया है, तो समाज का रतन आप कैसे बने। आपको सुविधा मिल रही है अलग अलग इंस्टीट्यूट में जिसमें आप चाहोगे वहां अध्ययन करोगे, उस अध्ययन के पश्चात उस मुकाम तक आप जाए और उस मुकाम में भी सेवा के धर्म को उस जीवन में अंतिम छोर पर खड़े व्यक्ति को अपना आदर्श मानते हुए सेवा के काम में आप अपने आने वाले भविष्य में जुटेंगे, मुझे उसकी पूरी उम्मीद है। उम्मीद करता हूं ये परमात्मा के कामों की लंबी यात्रा का एक पड़ाव मैं देख रहा हूं और ये पड़ाव निश्चित तौर पर इन बच्चों की नई यात्रा के लिए को प्रेरित करता है। आज ये बच्चे जो किसी अच्छे एक्सलेंस एकेडमिक कॉलेज या इंस्टीट्यूट में जाकर पढ़ेंगे और जो अपने बराबर बैठे बच्चों के को भी ये देखेंगे कि कोई धनाढ्य परिवार से आया होगा और उनके साथ एक ऐसा परिवार खड़ा है, एक ऐसा भाव खड़ा है। बात भाव की है, भाव व्यक्ति में जिंदा रहता है, भाव और भाव की संस्कृति जो अपने जीवन में रखता है और उस संस्कृति के साथ जो जुड़ता है उसको आगे बढ़ने का हमारे प्रोसेस होता है। मैं आपको किन शब्दों में धन्यवाद हूं। और निश्चित तौर पर हम जब देखते हैं, अतीत को देखते हैं, आज आदरणीय नारायण प्रसाद जी हमारे बीच में ही रहे और उनकी स्मृतियां हमारे बीच में है, इतिहास को लोग याद रखे उसके लिए बहुत बड़ी आवश्यकता है कि उस इतिहास के वाहक उस इतिहास को के अनुरूप अपने आप को काम करें। आपने अपने पिता से लिए उन कदमों पर चलते हुए सेवा के इस काम को जज्बे को रखा है, ईश्वर करे आप इसी तरह आप में जज्बा बना रहे, आपके दोनों पुत्र रतन बनकर ऐसे चमके कि वो गरीब की उस झोपड़ी में उनकी चमक और उनकी प्रकाश की रेखाएं तक पहुंचे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ इस शानदार कार्यक्रम का साक्षी बनने का आपने मौका दिया, आपका बहुत बहुत आभार, आपका अभिनंदन। आज अभिनंदन व्यक्तित्व के रूप में निर्मल जी विराजे हैं। मैं सबसे पहले चाहता हूँ था मैं आपका अभिनंदन करूँ, ये समाज आपका अभिनंदन करते हैं, आप हमारे रतन हो और आपके इस प्रकार से कई परिवार की राह, विकास की राह, जीवन की राह, सुगमता की राह निकलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये चाहता हूं कि जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन की बहुत जरूरत रहती है। आज जिन बच्चों को हम स्कॉलरशिप दे रहे हैं उनको एक सर्टिफिकेट दिया गया है, ये सर्टिफिकेट अपने आप में उनकी महत्वाकांक्षाओं को बढ़ाने के लिए दिया जाता है, उनको उत्साहित करने के लिए दिया जाता है। मेरा फाउंडेशन है, आप सब लोग यहां पर बैठे हैं, मेरा फाउंडेशन भी आपसे यही आशा रखता है कि आप हमारा मनोबल बढ़ाए रखें, हमारा मार्गदर्शन करते रहें। आज जो वक्त हमने लगाया है आज मेरे दोनों पुत्र बसंत कुमार और वेणु गोपाल हम बैठ की चर्चा करते हैं तो हमारी हार्दिक इच्छा ये है कि ये जो वर्ष साथ हमने लगाया है इसको बट फर्क सुनाया है। आपका बहुत आभार कि मुझे यहाँ बुलाया। देखा जाए तो छात्रवृत्ति के माध्यम से न जाने कितने ऐसे बच्चों का भविष्य सुधरा जाएगा जो पढ़ना चाहते हैं, पढ़ने की चाह तो है लेकिन पढ़ नहीं सकते, तो ये बहुत ही नेक काम है। हम किसी को एक बार अगर कोई सहायता करते हैं, खाना देते हैं, वस्त्र देते हैं, भोजन देते हैं, उससे किसी की एक बार की आवश्यकता पूरी होती है।
लेकिन कर्म करना जो चाहते हैं और अपने बूते पर स्वाभिमान के साथ कमाना चाहते हैं, ऐसे विद्यार्थियों के लिए, ऐसे बच्चों के लिए जो आपने ये स्कॉलरशिप का शुरू के लिए बड़ा कदम है। निश्चित रूप से इसमें और आगे संभावनाएं रहेगी। चूरू अंचल का श्री वेणुगोपाल जी ने ये बीड़ा उठाया है तो पूरा चूरू आपके साथ है और हमारे लिए खुशी की बात है। विद्यार्थी जो होते हैं काम करना चाहते हैं पर बहुत बार मौका नहीं मिलता। मेरे दाहिने हाथ में कर्म है तो बाएं हाथ में जय है, अथर्ववेद की इन पंक्तियों के साथ ही यहाँ कर्म की पूजा का पाठ आपने पढ़ाया है और इस कार्यक्रम में आपको अधिक से अधिक सफलता मिले। शिक्षाविदों से आप जितना सहयोग चाहते हैं या जितना कुछ चाहते हैं उसके लिए हम सभी तैयार हैं और आपको इस कार्य के लिए आगे से आगे सफलता मिले मेरी हार्दिक शुभकामनाएं। चूरू में आज एक नया प्रकल्प प्रारंभ किया गया है, वो विद्यार्थी जो मेघावी है, जरूरतमंद है, उनको देश के ख्यातिनाम इंस्टीट्यूशन में भर्ती करके आने वाली सिविल सर्विसेज में, स्टेट सर्विसेज में डॉक्टर इंजीनियर बनने के लिए उनकी शिक्षा और दीक्षा का इंतजाम करना, ये राजस्थान में पहली पहल है। गौरी शंकर जी द्वारा इससे पहले भी सामाजिक सरोकारिता के अनेकों काम किए गए हैं। आज उन्होंने अपने पिताश्री की यादगार के अंदर इस नई स्कॉलरशिप को प्रारंभ किया है, हम सब लोग साक्षी बने हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि उनके स्कॉलरशिप से इस चूरू के अंदर सिविल सेवाओं सहित अन्य सेवाओं में कई ऐसे अधिकारी तैयार होंगे जो इस चूरू का नाम करेंगे, अपने परिवार का नाम करेंगे और गौरी शंकर निर्मल देवी फाउंडेशन का नाम करेंगे।